टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान व मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान अपने अपने दौर के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। हालांकि दोनों ही का खेलने का दौर अलग अलग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी ICC द्वारा किए गए एक पोल में दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें कि ICC ने पिछले दिनों ट्विटर पर एक पोल की शुरुआत की थी। उसने अपने ट्वीट में चार खिलाड़ियों की फोटो शेयर कर लिखा था कि कप्तान बनने के बाद कुछ खिलाड़ियों का खेल और निखर गया, अपनी टीम की अगुवाई करते हुए इनके एवरेज में और निखार आया। अब आप ये तय कीजिए कि इन खिलाड़ियों में से कौन ज्यादा महान है, जिसमें बतौर कप्तान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का चयन करना था। बता दें कि पिछले 24 घंटों में इस पोल को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ था और गर्म माहौल बना हुआ था। बुधवार को इस पोल के अंतिम पलों में कोहली और इमरान के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, लेकिन अंत में इमरान खान ने इस पोल में बाजी मार ली। बता दें कि इन दोनों के अलावा इस पोल में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान AB डिविलियर्स और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान मैंग लैनिंग भी शामिल थी। भारत में ट्विटर पर लगातार विराट कोहली के लिए वोटिंग की अपील की जा रही थी और ये नंबर 1 ट्रेंड बना हुआ था। बता दें कि ICC द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर कराए गए इस पोल में कुल 5.36 लाख वोट डाले गए, जिसमें से इमरान खान को 47.3% वोट, तो वहीं दूसरी ओर विराट कोहली की बात करी जाए तो विराट कोहली को 40.2% वोट प्राप्त हुए। बता दें कि AB डिविलियर्स को 6% और लैनिंग को 1% वोट मिला। बहरहाल जैसे कि आपने इस वोट पोल में देखा कि इसमें इमरान खान ने विराट कोहली को कुछ अंकों से ही हरा दिया, ऐसे में विराट कोहली कुछ ही अंकों से इमरान खान से हार गए। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।